स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है और उसी कड़ी में हम आज आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं कौन से जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हैं जो 2018 या 19 में हुए हैं, जो पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम्स में, तो वो सम्मेलनों को हम देखेंगे। अब इन सम्मेलनों में जो हमें ध्यान रखना है वो तीन चार चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, मेन हैं, जो हमें ध्यान में रखनी है। पहला कि वो सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, दूसरा उस सम्मेलन की थीम क्या है, और तीसरा हमें जो याद रखना है, हो सकता है वो आपसे 2018 का ईयर देकर वो पूछ ले कि 2018 में कहाँ पर हुआ था। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ें कि वो 2018 का पूछ रहा है या 2019 का पूछ रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द केसेस में वैसे तो वो करंट का ही पूछता है, लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जस्ट जो प्रीवियस ईयर होता है उसका भी पूछा जाता है। तो हम सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो सम्मेलन है वो है 15वां भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है वो जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 को वो लौटे थे, तो उस उपलक्ष्य में हर साल क्या मनाया जाता है, 15वां जो भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस है वो सम्मेलन मनाया जाता है भारत के द्वारा। और इस साल जो इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो 9 जनवरी को ना होकर, हर साल 9 जनवरी को होता है, लेकिन इस साल ये 9 जनवरी को ना होकर ये हुआ था 21 से 23 जनवरी में। इसके पीछे रीज़न क्या था, इसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि कुंभ मेला पड़ रहा था और कुंभ मेले में जो अतिथि आए या फिर जो प्रवासी भारतीय दिवस में जो भी अतिथि आ रहे हैं, बाहर से NRIs आ रहे हैं, तो वो हमारे जो गणतंत्र दिवस परेड है, रिपब्लिक डे परेड जो 26 जनवरी को है, और जो कुंभ मेला है उसको भी अटेंड कर पाएँ, इसलिए इसकी जो डेट है उसको शिफ्ट किया गया था। तो 21 से 23 जनवरी इस बार ये हुआ था। इसके अलावा जो इसका ये हुआ कहाँ पर था, ये इम्पॉर्टेंट है, तो हुआ कहाँ पर था, ये वाराणसी में हुआ था, ये याद रखना है आपकी। इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है, थीम क्या है, थीम है नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, या क्या हम बोल सकते हैं रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया, ये क्या थी, ये थीम थी किसकी, ये थी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो कि 15वां था, 2019 में हुआ था वाराणसी में। ये तो हो गई। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक जो चीफ गेस्ट थे, तो तीन चीज़ें हमने देखी अभी तक वाराणसी में हुआ था, इसकी थीम क्या थी, नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। इसके अलावा इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है प्रविंद जगन्नाथ। क्या नाम है, प्रविंद जगन्नाथ, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि 2018 का भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2018 में जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, क्योंकि यही एक, वैसे तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है वो इंडिया में ही आयोजित होते हैं और इंडिया में ही होने चाहिए, क्योंकि किस उपलक्ष्य में है, जो महात्मा गांधी वापस आए थे, स्वदेश लौटे थे, लेकिन 2018 का ऐसा पहला प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था जो आउट ऑफ इंडिया हुआ था, इंडिया के बाहर हुआ था, और वो कहाँ हुआ था ये हमें याद रखना है, वो हुआ था सिंगापुर में। कहाँ हुआ था, पहली बार भारत से बाहर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2018 में आयोजित किया गया, वो कहाँ किया गया, सिंगापुर में। इस सम्मेलन की एक और विशेषता थी कि इस सम्मेलन में जो गूगल का डूडल होता है उसने जो महान साइंटिस्ट थे और प्रवासी भारतीय भी थे, श्री हरगोविंद खुराना जी, तो हरगोविंद खुराना जी को गूगल ने डूडल के थ्रू श्रद्धांजलि भी दी थी इस सम्मेलन पर, मतलब प्रवासी भारतीय दिवस। तो 2018 का भी हमें पता लग गया, 2019 का भी। 18 का पहला ऐसा विशेष इसलिए था क्योंकि ये इंडिया के बाहर हुआ था। अब हम बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन की। ये जो एक ग्रुप है, ये सारे ग्रुप्स को, जितने भी ग्रुप्स हैं, जैसे एशियान है या शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, SCO, ओपेक है, G20 है, G7 है, UN की बॉडीज़ हैं, इन सभी को हम अलग एक क्लास में कवर करेंगे जिसमें हम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये अलग से टॉपिक हो जाता है, तो यहाँ पर हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। फिलहाल G20 का
2018 में जो सम्मेलन हुआ था वो था 13वां सम्मेलन, ठीक है। आपको जो मेन याद रखना है वो ये 2018 वाला और 2019 वाला, ठीक है। 18 वाला भी आप याद रखिएगा। तो 2018 में ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था 2018 में, वो हुआ था ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स क्या है? ये अर्जेंटीना की कैपिटल है। तो अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, उसमें क्या हुआ था G20 का 13वां जो शिखर सम्मेलन है वो हुआ था। लेकिन अब चूंकि 2019 का आपको पता होना चाहिए, तो 2019 का कौन सा होगा? 14वां। 2019 का जो मतलब अभी होगा वो होगा जापान के ओसाका में, ये आप याद रखिएगा। यानी कि G20 जो हमारा सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन, वो 2018 का कहाँ हुआ था? ब्यूनस आयर्स यानी अर्जेंटीना की जो कैपिटल है। और जो 19 का है वो कहाँ होगा? G20 जापान में। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला, वो ये कि 2022 का जो G20 शिखर सम्मेलन है वो इंडिया में होने वाला है। इंडिया उसको क्या करेगा? आयोजित करेगा। उसके इस 2022 में जो इंडिया ने इसकी होस्टिंग ली है वो इसलिए ली है क्योंकि 2022 में इंडिया जो है अपना 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा। तो 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2022 में G20 की मेजबानी किसके द्वारा ली गई है? भारत के द्वारा। तो इसमें जो मेन याद रखने हैं G20 का, 2018 का, 19 का और 22 का, क्योंकि भारत आयोजित करने वाला है। तो G20 का 22 में कहाँ होगा? भारत में 2022 में होगा। 19 में कहाँ होगा? जापान में। 18 में अभी जो हुआ था वो हुआ ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। इसके अलावा एक है आपका एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन। अच्छा, G20 में ये मैंने पहले ही बताया आपको, ये बेसिकली इसमें 19 कंट्रीज़ हैं और एक इसमें यूरोपियन यूनियन है। तो यूरोपियन ये सारी बॉडीज़ को हम अलग से देखेंगे। एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ है? एशिया प्रशांत मतलब एशिया जो पूरा रीजन है और जो पैसिफिक रीजन है उसका जो पूरा एक शिखर सम्मेलन है वो हुआ है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ये आप थोड़ा याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट है ये है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। ये स्टार्ट जो हुई थी 1993 से हुई थी, 1993 से। और राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, देखिए इसमें कन्फ्यूजन मत करिएगा, एक है आपकी भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये जो है ये है आपकी बाल विज्ञान कांग्रेस। तो जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है उसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है, इम्पॉर्टेंट है, वो है एक स्वच्छ हरा भरा और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी व नव परिवर्तन। मतलब हर जगह आप देखोगे, हर जो भी सम्मेलन हो रहे हैं उनकी थीम में कुछ ना कुछ इनोवेशन या साइंस एंड टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्ड्स का यूज़ किया गया। जैसे इसमें भी आपका साइंस कांग्रेस है, साइंस है, टेक्नोलॉजी भी है, विज्ञान का, प्रौद्योगिकी व नव परिवर्तन, मतलब कि जो न्यू चेंजेस आप लाओ, न्यू इंडिया का हम निर्माण करने की आज बात कर रहे हैं। तो थीम भी उसी तरह से डिज़ाइन की जा रही है हर सम्मेलन की। तो एक स्वच्छ हरा भरा और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी व नव परिवर्तन, तो ये किसकी है? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की थीम। अब हम बात करते हैं हमारे और जो इम्पॉर्टेंट सम्मिट हैं, वो है आपका एशियन और ईस्ट एशिया सम्मिट। देखिए एशियन जो है ये भी एक अलग बॉडी है, इसको भी हम जो अलग ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे उसमें कवर करेंगे, जिसमें एशियन के अंदर 10 कंट्रीज आती हैं, तो ये सब हम कवर करेंगे। इसमें एशियन की फुल फॉर्म क्या है? ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ईस्ट एशिया सम्मिट ये जो है ये आपका है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। क्या है? पूर्वी एशिया, ईस्ट पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। तो ये सम्मिट, इन दोनों को ही आपको कोलैबोरेशन में याद रखना है क्योंकि दोनों ही सिंगापुर में हुए हैं 2018 के, ये याद रखिएगा। जैसे हमने 2018 का जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस था वो भी सिंगापुर में हुआ था, और जो एशियन और ईस्ट एशिया सम्मिट है, अच्छा इसमें एक चीज़ जो पूछी गई है एग्ज़ाम्स में और पूछी जाती रही है वो ये कि 33वां, ये एशियन का ऐसे करके पूछते हैं कि 33वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ या 34वां कहाँ होगा, तो ये आपको याद रखना है कि एशियन का ये 33वां था और ईस्ट एशिया सम्मिट का ये 13वां शिखर सम्मेलन था। तो 33वां शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया यानी कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कौन सा था? 13वां। और एशियन का 33वां कहाँ हुआ? सिंगापुर में।
कौन से ईयर के लिए? 2018 के लिए। इसकी जो थीम थी वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी याद रखिए, क्या है? रिजिलियंट एंड इनोवेटिव। देखिए इसमें फिर से इनोवेशन, इस टाइप के वर्ड्स आपको मिलेंगे हर थीम में, है ना, रिजिलियंट एंड इनोवेटिव। अब बात करते हैं, ये तो 2018 की बात हुई, तो हमारे लिए दोनों इम्पॉर्टेंट है, 2019 यानी करंट का भी। तो 2019 में जो प्रस्तावित है वो कहाँ होगा? वो होगा थाईलैंड में। वो कौन सा होगा? वो होगा 34वां एशियन का जो अब सम्मिट होने वाला है। पहले जो 2018 का हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था सिंगापुर में। और जो अब 34वां होगा, 34th, और ईस्ट एशिया सम्मिट कौन सा होगा? 14वां ईस्ट एशिया सम्मिट, यानी कि पूर्वी शिखर, पूर्वी एशिया सम्मेलन। और 34वां आपका एशियन सम्मिट कहाँ होने जा रहा है? थाईलैंड में। थाईलैंड में प्रस्तावित है। इसकी थीम भी डिक्लेयर कर दी गई है। इस बार ये वाली थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा दिमाग में रखिए। इस बार की थीम जो है वो है एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये हमने अभी पढ़ा एशियान का, ईस्ट एशिया समिट का, 2018 के लिए और 19 के लिए। तो 18 में कहाँ था? सिंगापुर। और अब जो है वो कहाँ पर है? वो है आपका थाईलैंड। ठीक है, जो थीम है एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। अब हम बात करते हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यानी कि एपेक समिट की। इसको हम बोलते हैं एपेक समिट। ये क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ये जो सम्मिट है ये इस बार जो 2018 में हुआ था वो हुआ था पपुआ न्यू गिनी में। कहाँ हुआ था? पपुआ न्यू गिनी में। और 2019 का जो होगा वो होगा सैंटियागो में। सैंटियागो क्या है? चिली की कैपिटल है। तो ये आपसे क्वेश्चन कैसे भी घुमा के, हो सकता है आपसे सम्मिट ठीक डायरेक्टली वैसे ना पूछे, आपसे ये पूछ सकता है कि सेंटिया मतलब चिली की कैपिटल क्या है, तो आपको पता, क्योंकि ये रिलेटेड है, करंट में है, तो पूछा जा सकता है कि चिली की कैपिटल। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम एक बार ये अर्जेंटीना की भी पूछी गई थी, जो कि है ब्यूनस आयर्स, वहाँ पर हमारा चूँकि सम्मेलन हुआ था, इसलिए कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चिली की जो कैपिटल है वो है सेंटियागो। और 2019 में सेंटियागो में क्या होने वाला है? एपेक समिट। 18 का कहाँ हुआ था? पपुआ न्यू गिनी में। अब हम बात करते हैं और इम्पॉर्टेंट कुछ समिट्स हैं। समिट्स बहुत सारे हैं, सम्मेलन बहुत सारे हैं, तो मतलब इनको बार बार रिवाइज करके याद रखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2018। तो देखिए इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट पूछा है, क्योंकि एक पर्यटन मार्ट भारतीय वाला भी है। तो अगर इंटरनेशनल की बात करता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, तो ये हुआ था अगरतला में, जो कि त्रिपुरा की राजधानी है। ठीक है, तो वहाँ पर हुआ था। और ये पूर्वोत्तर भारत जो है हमारा, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर हर साल होता है ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट। वहाँ पर बहुत सारे जो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स जिनको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं, तो वहाँ पर ये क्या आयोजित होता है। बहुत सारे स्टेट्स में ऑलरेडी हो चुका है। तो इस बार जो हुआ था वो 2018 का, वो कहाँ हुआ था? अगरतला यानी त्रिपुरा में। और एक सम्मिट है हमारा महासागर सम्मेलन, ये भी 2018 का है। ये हुआ था हमारा महासागर सम्मेलन, ये हुआ था बाली इंडोनेशिया में। इसका जो विषय था वो था हमारा महासागर हमारी विरासत। ठीक है, हमारा महासागर हमारी विरासत। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो सम्मेलन है वो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस। देखिए इसको भी दो तरीके से पूछता है, कि जैसे 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, हो सकता है आपको, ठीक है, 105 ये ना दे 2018 की या 2019, वो ईयर नहीं देगा, स्पेसिफाई नहीं करेगा। वो क्या पूछेगा? वो 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई थी या 106वीं कहाँ हुई थी। तो अगर आपको पता नहीं है कि 2018 वाली कौन सी है, तो आप यू कैन नॉट टिक। ठीक है, तो 106वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि जालंधर पंजाब में है। इसमें एक एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया था कि कौन सी यूनिवर्सिटी में हुई थी, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में। तो 106वीं है ये याद रखिएगा। इसकी जो थीम थी वो थी फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए अगेन यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये सारे वर्ड्स का यूज़ आपको हर थीम में मिलेगा। तो थीम क्या है? फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
इसके अलावा इसका जो नारा था बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि जब उद्घाटन हुआ था 106वीं विज्ञान कांग्रेस का, उस टाइम पर प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था, कौन सा? जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो ये नारा वहाँ पर दिया गया था। हो सकता है आपको नारा देकर पूछ ले कि ये कहाँ पर इस्तेमाल किया गया था या कहाँ दिया गया था, तो 106वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस थी वहाँ पर। इसके अलावा 105वीं भी आपसे पूछ सकता है कि कहाँ हुई थी, तो वो भी याद रखिए आप, वो हुई थी मणिपुर इम्फाल में। ठीक है, तो ये हमने कुछ इम्पॉर्टेंट सम्मेलन देखे। अभी हम और भी सम्मेलन देखने वाले हैं, बस ये याद रखिएगा कि 105वीं मतलब 2018 वाले और 2019 वाले, और जहां इंडिया होस्ट करने वाला है इन फ्यूचर, जैसे कि हमने देखा 2022 में कहां करने वाला है, G20 का जो सम्मिट है 75th इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस और देखते जाते हैं। अभी 105वीं जो इम्फाल है, इम्फाल में हुई है, ठीक है। तो 5वीं जो बिम्स्टेक जो सम्मेलन हुआ था, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कहाँ हुई थी, ये भी हमें पता होना चाहिए। अभी हम 2019 के जो लेटेस्ट हैं वो देखते जाते हैं, और साथ साथ जो 2018 के हैं वो भी। तो बिम्स्टेक जो 5वां हुआ है वो हुआ है श्रीलंका में। ये बिम्स्टेक का ये पूरी एक बॉडी है, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन में पूरा ले लेंगे। तो 5वां हुआ है बिम्स्टेक में जो 2019 का है, लेकिन इससे पहले कहाँ हुआ था, इससे पहले हुआ था 2018 का, अगर आपसे पूछा जाता है, तो वो हुआ था हनोई वियतनाम में। वियतनाम की जो कैपिटल है वो है हनोई, तो वहाँ पर क्या हुआ था आपका, बिम्स्टेक का 4वां सम्मिट हुआ था। तो 5वां फिलहाल का लेटेस्ट क्या है, लेटेस्ट जो है वो आप जो है वो है 2019 में श्रीलंका में। इसके अलावा ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ब्रिक्स सम्मिट जो लास्ट ईयर पेपर हुए थे, तो ब्रिक्स सम्मिट 10वां ब्रिक्स सम्मिट जो हुआ था, यानी कि 2018 का जो हुआ था, वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। और जो इस बार वाला है यानी 2019 का, वो कहाँ होगा, वो होगा ब्राज़ील में। यानी कि इस बार ब्रिक्स के जितने भी सम्मिट होंगे वो सारे ही कहाँ होंगे, लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका में हुए थे, क्योंकि ये ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका का ही ये क्या है, ग्रुप है। लास्ट टाइम किस में हुए थे, साउथ अफ्रीका में। इस बार ब्रिक्स के जितने भी सम्मिट होंगे वो कहाँ होंगे, बिफोर ब्राज़ील, ब्राज़ील में होंगे। तो ब्राज़ीलिया जो कि ब्राज़ील की कैपिटल है, तो 2019 का जो ब्रिक्स सम्मिट है वो कहाँ होगा, ब्राज़ीलिया में। इससे पहले कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा जो 30वां नाटो का सम्मिट है 2019 का, यानी कि इस बार जो लेटेस्ट जो नाटो जो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो 30वां इसका सम्मिट है ये होगा 2019 का, वो होगा लंदन में। इससे पहले जो हुआ था वो हुआ था ब्रुसेल्स में। तो फिलहाल 30वां या 2019 का कहाँ होगा, लंदन में, ये आप याद रखिएगा। जो 52वीं बैठक है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है मनीला में, ये आप याद है। ऐसे ब्रिक्स का कहाँ है, ब्रिक्स का है शंघाई में, तो ये आप याद रखिएगा। तो शंघाई जो कि है चाइना में, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहाँ पर है, मनीला में। और इसकी जो 52वीं बैठक है 2019 में, वो होगी फिजी में। इससे पहले 2018 में जो हुई थी वो हुई थी फिलीपींस में, ये याद रखिएगा, फिलीपींस में 2018 की हुई थी, और 2019 की जो होने वाली है वो होगी फिजी में। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, COP24, ये यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क है ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन है, उसके ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ बोलते हैं इसको। तो जो COP24 है, इस बार 2018 में पोलैंड के जो काटोवे शहर है उसमें हुआ था, लेकिन 2019 का आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रस्तावित जो है वो कहाँ पर है, वो होगा चिली में, यानी कि उसको आप बोलोगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीट 25। तो COP25 जो होगा वो कहाँ होगा, वो होगा चिली में। तो अभी हमने देखा बिम्स्टेक का कहाँ होना है, नाटो का कहाँ होना है, ADB का कहाँ होना है, और COP25 कहाँ होना है। बिम्स्टेक का होगा श्रीलंका, ब्रिक्स का होगा ब्राज़ीलिया, क्योंकि अब जितने भी ब्रिक्स के सम्मिट होंगे, चाहे वो अभी हम नीचे पढ़ेंगे शेरपा बैठक कि पहली बार ये हुई है 2019 में ब्रिक्स की शेरपा बैठक, वो भी कहाँ हुई है, वो भी ब्राज़ील में ही हुई है, लेकिन आपसे जगह पूछ सकता है, तो जगह कौन सी है, कुटीबा। तो कुटीबा जो जगह है, जो प्लेस है, वो ब्राज़ील में है, क्योंकि जितने भी अब ब्रिक्स के सम्मिट होंगे वो सारे ब्राज़ील में होंगे। तो कुटीबा में किसकी बैठक हुई है, ब्रिक्स के शेरपा की बैठक, और इसका जो विषय था वो आपसे पूछा जा सकता है, वो है आतंकवाद। ठीक,
तो ब्रिक्स का हमने देख लिया ब्राज़ीलिया, नाटो का हमने देखा लंदन में होगा 2019 का, और एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो 52वीं बैठक है वो होगी कहाँ पर, फिजी में, और कॉप 25 कहाँ होगी, चिली में। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसके अलावा जो तीन ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये तीनों ही सम्मेलन इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखिए, हिंदी, हिंदू और संस्कृत, ये विश्व, यानी कि विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदू कांग्रेस और 17वां विश्व संस्कृत सम्मेलन। ठीक है, ये तीनों ही एग्ज़ाम्स में, डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, हिंदी भी, हिंदू भी और संस्कृत भी। यानी कि जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन था वो मॉरिशस में हुआ था, हिंदी का जो आपका कह सकते हैं वहाँ पर हेडक्वार्टर भी है, तो हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो मॉरिशस में हुआ है। जो विश्व हिंदू कांग्रेस है तो वो शिकागो में, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने अपना भाषण दिया था, तो विश्व हिंदू कांग्रेस शिकागो में। और 17वां जो विश्व संस्कृत सम्मेलन है वो वैंकूवर, संस्कृत का जो हुआ था वो वैंकूवर में हुआ था, जो कि कनाडा में है। और इसमें जो हमारी तरफ से गए थे, मतलब इंडिया की तरफ से जो जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था, वो HRD मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी थे। तो 17वां विश्व संस्कृत सम्मेलन ये हो गया। ये याद रखना है कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम थी वैश्विक हिंदी व भारतीय संस्कृति, ग्लोबल हिंदी व इंडियन कल्चर एंड इंडियन कल्चर, यानी कि वैश्विक हिंदी व भारतीय संस्कृति, ये तीनों हमें हो गए। इसके अलावा एक एविएशन कॉन्क्लेव, जिसको हम बोलते हैं विमानन कॉन्क्लेव, ये 2019 में हुई है, और ये कहाँ पर हुई है, ये नई दिल्ली में हुई है। नई दिल्ली में आपके 3 से 4 सम्मेलन हुए हैं, जल्दी जल्दी देख लेते। देखिए, एविएशन कॉन्क्लेव कहाँ हुई 19 की, नई दिल्ली में, इसका विषय था फ्लाइंग फॉर ऑल, यानी कि विमान से रिलेटेड है, कौन सा है, फ्लाइंग फॉर ऑल। नई दिल्ली में 2-3 और हुए हैं, कौन से, एक है एशिया LPG सम्मेलन, ये भी नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, एक आपका 11वां वैश्विक कृषि सम्मेलन, यानी कि कृषि से जो रिलेटेड सम्मेलन है वैश्विक, वो भी आपका नई दिल्ली में हुआ है। इसके अलावा जो पहली इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो शिखर सम्मिट हुआ है, शिखर सम्मेलन हुआ है, वो भी आपका नई दिल्ली में हुआ है। तो नई दिल्ली में 4 हुए हैं, एक तो LPG वाला, LPG सम्मेलन जो है वो भी नई दिल्ली में हुआ है। इसके अलावा जो कृषि का, जो वैश्विक कृषि का सम्मेलन है वो भी नई दिल्ली में हुआ है। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो सम्मेलन है वो भी नई दिल्ली में हुआ है, और जो एविएशन कॉन्क्लेव है वो भी नई दिल्ली में हुए। तो 4 आपको यहाँ से याद हो गए। इसकी जो थीम थी फ्लाइंग फॉर ऑल था। इसके अलावा ये भी पहली बार हुई है, भारत और मध्य एशिया, यानी कि जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जिसमें आपका सऊदी अरब, ओमान, यमन, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं, तो प्रथम जो भारत और मध्य एशिया वार्ता हुई आयोजित, इस बार पहली बार हुई मिडल ईस्ट के साथ हमने कोशिश की वार्ता करने की, तो वो किसके, वो कहाँ पर हुई है, वो हुई है समरकंद। समरकंद कहाँ पर है, वो है उज्बेकिस्तान में, समरकंद में हुई, उज्बेकिस्तान में। किसके साथ हुई है, मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया की वार्ता। अब हम बात करते हैं जो G7 के कुछ समिट्स भी होते हैं, और G7 की जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ सिटिंग्स भी होती हैं। तो ये पर्यावरण बैठक हुई है G7 की, ये कहाँ हुई है, ये हुई है आपकी फ्रांस में, और इसका जो विषय था वो है जलवायु परिवर्तन, यानी कि क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बुक फेयर फेस्टिवल, जो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है, वो कहाँ लगा है इस बार, अबू धाबी में, और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि गेस्ट ऑफ ऑनर कौन था, जो इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल है उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कौन था, तो गेस्ट ऑफ ऑनर इंडिया था, ये याद रखिएगा, भारत था इस बार जो अबू धाबी में इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल हुआ है। इसके अलावा एक और महोत्सव है, ये काला घोड़ा महोत्सव, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था ये, इसमें ये आर्ट रिलेटेड फेस्टिवल है, मतलब इसमें डिफरेंट आर्टिस्ट जो है उन्होंने आकर अपनी आर्ट का प्रदर्शन किया, चाहे वो सिंगर हो, पेंटर हो, डांसर हो, तो इसमें डिफरेंट आर्ट जो आर्टिस्ट थे वो आए थे। तो काला घोड़ा महोत्सव जो है वो हुआ कहाँ था, वो हुआ था मुंबई में। इसके अलावा ये दो जो शिखर वार्ताएं हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं किम जोंग उन है, अभी मैं आपको बता दूंगी, तो जो नॉर्थ कोरिया के फ़िलहाल वो तानाशाह हैं और वो अजीब सी हरकतें करते रहते हैं, तो वो उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जो बैठक हुई, अगर आपसे पूछा जाता है शिखर वार्ता, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में
कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और जो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं, उन दोनों की शिखर वार्ता कहाँ हुई थी? तो उन दोनों की शिखर वार्ता हुई थी हनोई में, वियतनाम की जो कैपिटल है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि जो रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और जो नॉर्थ कोरिया के जो उत्तरी कोरिया के जो तानाशाह हैं, तो उनकी शिखर वार्ता कहाँ हुई थी? तो उनकी शिखर वार्ता हुई थी व्लादिवोस्तक में। ये व्लादिवोस्तक कहाँ है? ये भी रूस में है, रूस का एक शहर है। तो व्लादिवोस्तक में, तो ये याद रखिएगा कि रूस के राष्ट्रपति ने कहाँ करी थी? रूस में, व्लादिवोस्तक में। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप ने हनोई में करी थी, वियतनाम में। इसके अलावा ये हमने देख लिया है एलपीजी सम्मेलन। एलपीजी सम्मेलन की थीम क्या थी? एलपीजी एनर्जी फॉर लाइफ। एलपीजी विमानन की क्या थी? फ्लाइंग फॉर ऑल। इसकी क्या है? एलपीजी एनर्जी फॉर लाइफ। जो वैश्विक कृषि सम्मेलन है, देखिए हुआ नई दिल्ली में था, इसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट है, कनेक्टिंग फार्मर्स टू मार्केट। इस टाइम वैसे भी ईनैम का चल रहा है कि भाई मतलब किसानों को, फार्मर्स को, सबको क्या करें, मतलब डिजिटलाइज करें उनको और मंडी से जोड़ें। तो कनेक्टिंग फार्मर्स टू मार्केट, ये इसकी थीम थी। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये पूछे जा सकते हैं कि इसमें मत्स्य के क्षेत्र में, क्योंकि इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राज्यों को पुरस्कृत किया गया है। जैसे कि अगर मत्स्य के क्षेत्र में देखें तो झारखंड को पुरस्कार मिला है, मतलब सर्वश्रेष्ठ उसने प्रदर्शन किया है। पशुपालन के क्षेत्र में बिहार को, बागवानी में नागालैंड को, और कृषि राज्य में किसको मिला है? गुजरात को। तो किसमें? मत्स्य के क्षेत्र में यानी मछली वाले क्षेत्र में किसको मिला है? झारखंड को। पशुपालन में बिहार को, और बागवानी में नागालैंड को, कृषि राज्य जो बेहतर प्रदर्शन के लिए मिला है गुजरात को, और प्रोग्राम लीडरशिप प्राइज, ओवरऑल जो प्रोग्राम लीडरशिप प्राइज है वो हरियाणा को। आप ऐसे याद रख सकते हो, जो ज़्यादातर आजकल जो हरियाणा वाले ही निकल रहे हैं ना उसमें, खेल वगैरह में, तो प्रोग्राम लीडरशिप प्राइज हरियाणा को। और ये हमने देख लिया सम्मेलन 2018 का नई दिल्ली में। जो G7 का एक ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे एक तो G7 का पर्यावरण बैठक थी, ये तो आपकी फ्रांस में हुई थी, क्लाइमेट चेंज इसका क्या था, विषय था। G7 की जो 2019 में जो शिखर वार्ता या शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? वो भी फ्रांस में हुआ है। तो G7 का जो पर्यावरण बैठक है वो भी फ्रांस में, और G7 की जो शिखर सम्मेलन है वो भी फ्रांस में हुआ है। इससे पहले जो हुआ था वो कनाडा में हुआ था। तो इस तरह से आपने देखा बिम्सटेक, ब्रिक्स। तो 2019 वाले पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की संभावना है। अभी कुछ और रह गए हैं वो भी देखते हैं। ये वर्ड और देख लेते हैं, ये हैं कुछ और थोड़े से बचे हैं वो और देख लेते हैं। ये है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई है, जो सम्मेलन हुआ है 2019 का, जो होगा वो होगा दावोस में, जो कि है स्विट्जरलैंड में। तो ये याद रखिएगा। हालांकि इससे 2018 का जो WEF का यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो सम्मेलन हुआ था वो भी दावोस में ही हुआ था, स्विट्जरलैंड में। तो और 19 का भी कहाँ होगा? दावोस, स्विट्जरलैंड में, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो ओपेक सम्मेलन है, ओपेक पूरा एक ग्रुप है जो कि ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, उनका ग्रुप है, मिडिल ईस्ट एशिया का ग्रुप है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो 7th जो ओपेक सम्मेलन है 2018 का, 18 वाला जो हुआ है वो हुआ है वियना। वियना क्या है, कहाँ है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो क्या है? वियना, ठीक है। तो 7th जो ओपेक सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रिया के वियना में। इसके अलावा जो 6th अंतर्राष्ट्रीय यानी छठा जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है 2018 का, वो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। देखिए अब नई दिल्ली में हमने 4 अभी पीछे पढ़े थे, दो तीन यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। एक इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें ये पूछा जाता है, वैसे तो 2+2 वार्ता इंडिया हर देश के साथ कर सकता है, लेकिन अभी जो फेमस हुई थी 2+2 वार्ता वो हुई थी भारत और अमेरिका के बीच। इसमें क्वेश्चन ये बनता है, हुई ये नई दिल्ली में ही थी 2+2 वार्ता, और इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि 2+2 ये होता क्या है, पूछा यही जाता है कि 2 का मतलब। तो इसमें क्या होता है कि दोनों ही देशों के दो मंत्रालय, कौन कौन से? एक तो है आपका फॉरेन मिनिस्ट्री और एक है डिफेंस मिनिस्ट्री। तो उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भाग लेते हैं, यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री नहीं जाते या कोई सेक्रेटरी नहीं जाता,
इसमें क्या होता है 2+2 में कि एक देश का और दूसरे देश का दोनों ही देशों के जो दो डिपार्टमेंट है फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री वो दोनों ही इसमें भाग लेते हैं। इसके अलावा एक है आपका चोगम शिखर सम्मेलन 2018 का। चोगम जो शिखर सम्मेलन है वो हर 2 साल में होता है, तो 2018 के बाद अब हुआ 2020 में, तो 19 का तो खैर बनता ही नहीं है। तो चोगम का जो 2018 का शिखर सम्मेलन था वो लंदन में हुआ था, और ये चोगम की फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। तो ये चोगम का जो शिखर सम्मेलन था 2018 का वो लंदन में हुआ था, और 2020 का कहाँ प्रस्तावित है वो है रवांडा में। तो 20 वाला आप याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ ले कि 20 में कहाँ हुआ था, तो वो होगा रवांडा में। जो जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई सहयोग संगठन, इसका 79th जो अभी तो 78th हुआ था, इससे पहले 2018 में वो तो किंगदाओ में हुआ था चाइना में, सभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो जो 2018 का था वो कहाँ हुआ था, किंगदाओ चाइना, लेकिन अब जो होने वाला है 2019 में वो कहाँ होने वाला है, किर्गिस्तान में, ये याद रखिएगा। जो शंघाई सहयोग संगठन है उसका 2019 में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा। इसका जो सम्मेलन है वो कहाँ होने वाला है संगठन का, किर्गिस्तान में 2019 का। अब एक और जो ये तो सब जानते ही होंगे, दिल्ली में लगता है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जो कि प्रगति मैदान में लगता है, हर साल लगता है, तो 2018 में भी कहाँ लगा, नई दिल्ली में। इसकी जो थीम थी वो थोड़ा आप देखिए, देखिए इसमें जो बनता है, ये तो सभी को पता है कि जो व्यापार मेला है इंटरनेशनल, जो इंडियन ये कहाँ पर लगता है, नई दिल्ली में। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं कि इसकी थीम क्या थी, और इसमें जो पार्टनर कंट्री या फोकस कंट्री या फोकस स्टेट कौन सा था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। तो थीम इसकी जो थी वो थी भारत में ग्रामीण उद्योग। इसकी जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया था 2018 में, उसकी थीम थी भारत में ग्रामीण उद्योग। पार्टनर कंट्री जो थी वो था अफगानिस्तान। फोकस कंट्री जिस पर हमें फोकस देना था वो जो देश था वो था नेपाल, और जो फोकस स्टेट था वो झारखंड था। फोकस स्टेट झारखंड अभी आपका मतलब बहुत सारे जो और भी सम्मेलन हुए हैं उसमें फोकस स्टेट झारखंड को ही रखा गया है, तो फोकस स्टेट मोस्टली उसमें तो झारखंड है, फोकस कंट्री नेपाल है, और पार्टनर कंट्री अफगानिस्तान है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन थे जो आज इस क्लास में हमने कवर किए हैं, और हमने सभी जो जितने भी महत्वपूर्ण पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, जो भी शिखर सम्मिट है या वार्ताएं हैं सम्मेलन है जो प्रस्तावित हैं या फिर 2018 में पूछे गए, उन सभी को कवर किया है। और उम्मीद है कि ये आप अगर एक दो बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सब आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।